है, एलेक्सा तो आरव का फ्रेंड है, राइट? इट इज जोक बेबी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु लाइफस्टाइल ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा है सब अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग को मैंने स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग से, और सुबह सुबह आरब हो गया है रेडी स्कूल जाने के लिए। और आरब का समर वेकेशन खत्म हो गया है, आज उसका दूसरा दिन है स्कूल जाने का, तो वही रेडी हो गया है और जा रहा है स्कूल। 8:30 बजे तक उसका कैब वाला आ जाता है, यहाँ पे पहुँच जाता है। और अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठते हैं, बच्चों को रेडी करते हैं, घर के काम के साथ साथ बच्चे को भी संभालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये देखिए, तीनों बच्चे अच्छे से रेडी हो गए हैं और खूब मस्ती करते हैं। ये लोग दिनों साथ में जाते हैं तो ये लोग की खूब बल्ले बल्ले रहती है। और इस टाइम पे हम लोग का थोड़ा थोड़ा धूप आना शुरू हो गया है और कैब वाला भी पहुंच गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चे तो चल गए स्कूल, अब चलते हैं हम लोग घर और करते हैं लंच की तैयारी, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया था मेरा अर्ली मॉर्निंग ही। तो आज मैं बना रही हूँ बेसन के बड़ी, उसकी ग्रेवी बनाऊंगी। तो सबसे पहले बेसन में मैंने नमक, हल्दी, थोड़ा सा अजवाइन डाला है, उसे हमें मिला लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हमें अच्छे से मिलाना है, ज़्यादा इसको गीला नहीं करना है, मतलब ऐसा रहे कि इसमें पकौड़े अच्छे से बन पाए। आप लोग देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी, इस तरह से हमें करना है। और गर्म तेल में हमें इसे फ्राई कर लेना है अच्छे से, तो थोड़ा थोड़ा करके हाथ से इस तरह से हमें उठाना है और छोटे छोटे बॉल्स बना के इसके पकौड़े तल लेना है। और मेरा एक्चुअली बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, इसलिए मैं कल ब्लॉग को ही अपलोड नहीं कर पा रही थी। और आवाज़ से तो आप लोग को लग ही रहा होगा, एकदम गला बैठा हुआ है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया था, वीडियो था बट मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि गला बहुत ज़्यादा बैठ गया था, एकदम मतलब बात ही नहीं कर पा रहे थे। तो आज थोड़ा ठीक था तो मैं सोची आज के आपके लिए ये वाला ब्लॉग अपलोड कर दिया जाए। तो देखिए, गर्मा गर्म हमारे पकोड़े जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं, और मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बनाऊँगी। और चलिए इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं। लहसुन डाल देंगे मिक्सी में और एक कटे हुए बड़े वाले प्याज इसमें हम ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और एक डालेंगे इसमें हम टमेटो, तो टमेटो डालेंगे। उसके बाद जो खड़े मसाले होते हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी और एक सूखी मिर्ची, ये सब का पेस्ट हमें अच्छे से बनाना है मिक्सी में डाल के। अगर इस तरह से आप बनाइएगा तो भी अच्छा लगेगा, और प्याज वगैरह भून के भी बनाइएगा तो भी अच्छा लगेगा। तो देखिए, प्याज को मैं नहीं भून रही हूँ, सारा मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हम गरम तेल में इस मिक्सचर को डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से भूनना है। और यकीन मानिए, ये बहुत अच्छा बना था उस दिन, बहुत टेस्टी बना था। तो ये देखिए, मसाला जो है मैंने डाल दिया है। अभी इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि नमक डाल देंगे, हल्दी डालेंगे, उसके बाद जीरा पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे। तो बस इतने ही मसाले चाहिए, और ये मसालों को ना हमें कवर कर करके इतना पकाना है कि इसका तेल जो है ऊपर आना स्टार्ट हो जाए, तब तक इसे हमें पकाते रहना है। और ये देखिए, ये इसका तेल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, इसका मतलब मसाले हमारे भुन चुके हैं अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे पकौड़े, तो पकौड़े को आप ऐसे भी डाल सकते हैं या तो पानी डालने के बाद भी डाल सकते हैं, तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। अब इसे हम मिला देंगे, उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे, और जितना आप लोग को ग्रेवी चाहिए उसी अंदाज में आप लोग को डालना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी जब ज़्यादा रहेगा उसी टाइम पर इसे बंद कर देना है, क्योंकि पकौड़े बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं। और जैसे ही लगे कि इसका पानी सूख गया है, तब तक इसको ग्रेवी को बंद कर देना है, और ग्रेवी में ही थोड़ा सा इसे निकालना है, ये सूख जाएगा। तो लंच वगैरह हो जाने के बाद अभी हो रहा है शाम का टाइम, और शाम के टाइम में जो मेरा काम रहता है झाड़ू वगैरह लगाने का, वो सब काम मेरा हो गया है। अभी मैं थोड़ा सा अपने फेस पे ध्यान दे रही हूँ, तो मैं फेस वॉश करके थोड़ा स्क्रब करूँगी। तो अभी ना मतलब हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी की वजह से ना फेस बहुत ज़्यादा टैन लगता है एंड पूरा लाल हो जाता है ऐसे। तो इस तरह से मैं शाम के टाइम में कभी कभी करती हूँ, फेस वॉश करने के बाद थोड़ा सा स्क्रब कर लेती हूँ, इससे थोड़ा सा चेहरे को मतलब रिलैक्स लगता है। तो ये देखिए, मेरा स्क्रबिंग हो गया है, अभी मैं जाऊंगी कुछ स्नैक्स बनाऊंगी, क्योंकि बहुत इस सबको भूख लगा हुआ है। और शाम के टाइम में हम लोग का आदत है कि हम लोग जैसे ही 4 या 5 बजता है, 5 बजे के आसपास चाय या तो कुछ स्नैक्स बनाते हैं। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ, अब चलते हैं किचन की तरफ। और ये देखिए, ये मैं बनाऊंगी अभी स्प्राउट। तो स्प्राउट मेरा बन चुका है, मैंने भिंगो के रखा था कल, उसके बाद मैंने इस तरह से छन्नी में से छान दिया था, और ये स्प्राउट हमारा रेडी हो गया है। अभी हम थोड़ा सा बनाते हैं सैलड टाइप का।
ये बहुत हेल्दी होता है। और मतलब इस टाइम पे अगर आपको समझ में ना आए कि क्या खाया जाए तो आप इसे ट्राई करें, ये बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए चना और मूंग मैंने भिगोया था, तो इन दोनों को मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम कटे हुए खीरे डालेंगे। खीरा डालने के बाद इसमें हम नींबू डालेंगे, नींबू का रस थोड़ा सा डाल देंगे, नमक और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें चाट मसाला, एकदम सिंपल। अब इसे हमें मिला देना है और ये सैलेड हमारा बनके रेडी हो जाएगा। अब इसमें प्याज टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं इसे ऐसे ही बना रही हूँ। तो शाम का स्नैक्स हमारा रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा भुजिया भी डाल सकते हैं, मिक्सचर भी डाल सकते हैं अगर और चटपटा बनाना है और टेस्टी बनाना है तो मैं थोड़ा सा भुजिया इसके ऊपर डाल दूंगी। और अभी तो आदत हो गया है, आरब इतने दिन से घर में ही था तो उसका मतलब आदत हो गया है। स्कूल जैसे ही जा रहा है, भले ही दो घंटे के लिए ही जा रहा है लेकिन घर बहुत खाली खाली लगता है, सूना हो जाता है घर। तो स्कूल से आने के बाद मैं उसको फ्रेश वगैरह की थी, लंच किया, उसके बाद थोड़ा देर वो सो गया था और जस्ट अभी वो सो के उठा है, अभी तक फ्रेश वगैरह नहीं हुआ है। बच्चा एकदम थक जाता है स्कूल से आते आते, मतलब जाते टाइम में तो एनर्जी में फुल रहता है लेकिन आते टाइम में पूरा ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो अभी तो खैर कि दो दिन से वेदर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा किया है बोल के ठीक है, बट गर्मी जिस टाइम पे रहता है उस टाइम पे एकदम हालत ख़राब हो जाता है। ऐसे तो आने जाने में ही प्रॉब्लम है, स्कूल में इन लोग का एसी वगैरह रहता है तो स्कूल में उतना गर्मी नहीं पता चलता होगा, लेकिन कैब में जब आना जाना करता है उसी टाइम पे इन लोग को लगता होगा। और एक तरफ देखिए मैं कर रही हूँ आरब के लिए दूध गर्म, क्योंकि मैं फ्रिज में दूध को रख देती हूँ और गर्मी है बोल के फट ना जाए बोल के मैं फ्रिज में रख दी थी। दूध को निकालने के बाद मैंने उसे गर्म कर दिया है और उसका फेवरेट वाला कप में मैं डाल दूंगी उसका मिल्क, और थोड़ा सा मैं उसे दूंगी मूंग दाल, क्योंकि उसको मूंग दाल बहुत पसंद है तो इसीलिए मैं लेके आई थी उस दिन मोड़ से। तो मूंग दाल और दूध पिएगा वो, अभी इंजॉय करेगा। और क्या खा रहे हो? तो ये है हमारे घर का नया मेहमान जो कि आज ही नया मेंबर जो कि आज ही आए हैं, और ये काफी टाइम से लेने का मन था मेरे हस्बैंड को तो फाइनली ये ले लिए हैं। एलेक्सा व्हाट इज द टाइम? द टाइम इज 5:16 PM। ये तो आरव का फ्रेंड है, एलेक्सा तो आरव का फ्रेंड है राइट? आरव जो बोलता है एलेक्सा वो सुनती है, मान जाती है वो, राइट एलेक्सा? अच्छा, और एक चीज मैजिक मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट। ओके एलेक्सा चेंज द कलर ऑफ द लाइट टू रेड। Okay. Alexa, change the color of the light to blue. Okay. Alexa, turn off the light. Okay. Alexa, thank you. Of course, anytime. तो नया मेहमान आ गया है हम लोग के घर, नया मेंबर। आरव का तो फ्रेंड है राइट? आरव तो दिन भर उसे बातें कर रहा है एलेक्सा से। कुछ बोलो एलेक्सा को, कुछ बोलो एलेक्सा, turn on the light on. Okay. Seriously? Turn on the light on. ठीक से बोलो बेटा, जल गया तुम बोला, लाइट हो गया, लाइट ऑन हो गया। एलेक्सा स्विच ऑफ द लाइट। एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट। तो ये है हमारे घर का नया मेंबर, आज ही आए हैं एलेक्सा मैडम। सुन गई हो अब? मुझे वो नहीं मालूम। अरे मेरे घर से बाहर चला गया है। आ 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
थोड़ी देर के लिए मैं उसको लेके आई थी नीचे कि ताकि वो खेले थोड़ा सा, उसके बाद मैं अभी लेके जाऊंगी उसको घर पे, क्योंकि एक डेढ़ घंटा वो खेलता है तो उसको भी फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है उसको भी। तो उसके सारे दोस्त लोग नीचे ही रहते हैं 5:30 बजे के आसपास, तो मैं भी उसको लेके जाती हूँ, थोड़ा सा खेलता है उसके बाद लेके आते हैं। और लगे हाथ में मार्केट भी चल गई थी, तो मार्केट से मैंने इतनी सारी सब्जियाँ लेके आई, आम लेके आई और आलू नहीं था, आलू भी लेके आए, तो सब्जी का मार्केट भी हमारा हो गया है। और अभी टाइम हो रहा है रात के 10 का, डिनर वगैरह सब कुछ बन चुका है। तो डिनर वगैरह करने के बाद मैं इसको सोची कि थोड़ा सा क्लीन कर दूँ और रख दूंगी, सुबह सुबह फिर बहुत हड़बड़ी हो जाता है, तो ये सब काम को ना मैं रात में ही करके साइड कर देती हूँ। और जैसे कि दिन में आरब सोया था, मैंने आप लोगों को बताया, तो दिन में वो अगर सोता है तो रात में वो बहुत लेट से सोता है, 11:30 बज जाता है सोते सोते। तो उसके पापा उसको सुला रहे हैं लेकिन वो सोने का नाम नहीं ले रहा है, तो आवाज़ आ रहा है बीच बीच उसका कि पापा स्टोरी सुनाइए, कुछ सुनाइए। तो मैं वही उससे गपशप कर रही हूँ और अपना काम कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरे सारे जो सब्जी है ना, भयानक रेट से मैं खरीद के लेके आई हूँ, मतलब 100 रुपये किलो टमाटो लेके आई हूँ, आलू लेके आए हैं, आम भी 100 रुपया है। तो ये सबको मैं अच्छे से धो दूंगी और रख दूंगी फैन के नीचे, ये सूख जाएगा। तो गाइज आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो। तो आज का ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी, उम्मीद करूंगी आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। तो अगली बार आप लोग से फिर मुलाकात होगी कुछ नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।